आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड की सरकार ने पिछले महीने की 6 तारीख को एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि कॉमन सिविल कोड, जिससे क्या होगा कि आपके जितने भी कानून हैं अभी तक जो आप करते आ रहे हैं, निकाह हो गया, जैसे निकाह में क्या होता था, पहले आप मस्जिद से करा लीजिए तो वो निकाह हो गया और आप मौलाना साहब आपको एक स्लिप देते थे, उससे आपकी मान्यता होती थी कि आपका निकाह हो चुका है। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे और इसी तरह हिंदुओं में भी होता था, हमारे हिंदुओं क्या होता था कि वो मंदिर के अंदर जाके साथ कर लेते थे और मुगल सूट पहनाते थे, उसके बाद उनका निकाह हो जाया करता है। और क्रिश्चन में भी वो अपने गिरजाघर में जाते और अपनी शादी वहाँ से करते और सर्टिफिकेट ले गए, उनकी शादी वहाँ से हो जाया करती थी। लेकिन अभी जब ये कानून आएगा तब क्या होगा कि हमारा ये निकाह आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसको सरकार नहीं मानेगी कि आपने शादी की हुई है जब तक कि आपके पास गवर्नमेंट का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा। वो कब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप कोर्ट के अंदर जा कर के दोबारा से शादी करेंगे। तो आपको ऐसा करना होगा जब ये कानून लागू होगा उसके बाद। उसी के लिए सरकार ने हमसे मशवरा मांगा है कि हम जब ये कानून लागू करेंगे तब आपके धर्म के जितने भी कानून हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक कानून होगा सभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, सिख हो, सब के लिए एक ही कानून होगा, उस एक कानून पर सभी को अमल करना होगा। तो उसी के बारे में हम बताएंगे आपको कि आपको वो मशवरा या फिर वो जो अपील की है सरकार ने, वो आपको अपनी राइट्स में कैसे सबमिट करनी है। तो हमारे से जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, वरना तो आपको अपनी सजेशन दे देंगे, आपको परेशानी हो सकती है। सबसे पहले अपने कोई से भी ब्राउज़र में आपको आ जाना है, वो क्रोम ब्राउज़र हो या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स हो, मोबाइल है तो मोबाइल से कोई सा ब्राउज़र जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है, इसके सर्च बार में आना है और यहाँ सर्च करना है UK.UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंटर। उसके बाद सबसे पहले जो वेबसाइट है UCC.UK.government.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट लॉ रेगुलेटिंग पर्सनल सिविल मैटर एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड तरह। इसको आप हिंदी में करना चाहे तो इंग्लिश आपको समझ नहीं आती, हिंदी आप ज़्यादा जानते हैं तो आप हिंदी में भी आप कर सकते हैं, सब चीज़ें हिंदी में हो जाएगी। हिंदी में आप डिटेल्स जो है वो क्या की है वो ये है, आप यहाँ से भी सुझाव दे सकते हैं, ये ऑफिशियल मेल है, मेल पर भी आप सुझाव दे सकते हैं। ये डाक का बताया, अगर आपसे ऑनलाइन करना नहीं आता तो आप डाक से भी उनके पास भिजवा सकते हैं। चलिए हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं और सजेशन में जाते हैं, यहाँ से भी आप राय ले सकते हैं, वो दोनों एक ही है। अगर आप अकेले या एक किसी पर्सन की राय दे रहे हैं तो आप यहाँ से देंगे, पहले फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम आएगा, यहाँ उनका फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पर मदर नेम भरेंगे जो भी हो आधार कार्ड के अंदर, स्टेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें चूज कर लेनी है जो हमसे भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी। उसके बाद परमानेंट अगर आपका एड्रेस कोई है या प्रेजेंट एड्रेस है तो वो डालते हैं, वरना तो सेम पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ आप अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, और याद रहे आधार कार्ड के जो फ़ोटो होगी उसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ये अभी छोड़ देना है, आपको इसको सबसे एंड में करना है, क्योंकि OTP का क्या होता है, वो कभी कभी एक्सपायर हो जाती है और फिर आपका जो भी आपने फिल किया वो सब ऐसे ही रह जाता है, दोबारा से फिल करना होगा। फिर आपको पहले आपको सजेशन देनी होगी, अगर आपने कुछ टाइप अलग से किया हुआ या फाइल बनाई हुई है तो आप यहाँ से उसको अपलोड भी कर सकते हैं, PDF के जरिए या इमेज के जरिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो जाएगा।
लेकिन हम यहाँ टाइप करके देंगे, वो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या आपकी संस्था है या NGO है या कुछ भी है तो आप उसका यहाँ पर नाम डालेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी संस्था या रजिस्टर है जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसका एड्रेस डालेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप क्या लगाएंगे, NGO या ट्रस्ट लगाएंगे, वो अपलोड भी करना होगा आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और आप कौन सी लाइन में आप अपने NGO या संस्था चला रहे हैं ये बताना पड़ेगा। हेल्थ में है, लीगल में, पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर रिलीजियस है, धार्मिक संस्था जितनी भी होती है, सोशल सर्विस है, या नॉन वेलफेयर है। ये OTP वाला सिस्टम आप उसमें भी और इसमें भी दोनों में एंड में मिलना होगा तो ज़्यादा बेहतर है। ऑफिशियल मेल आप डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। जिस पर भी स्टार लगा हुआ है रेड कलर में वो मैंडेटरी है। इसके बाद आपने अपनी NGO के प्रेजिडेंट का यहाँ नाम डालेंगे, जो भी आधार कार्ड के अंदर है, और यहाँ सेक्रेटरी का नाम डालेंगे, जो भी आधार कार्ड के अंदर है, उनका आधार कार्ड की एक कॉपी यहाँ से अपलोड करेंगे, वही एक MD से कम वाले। प्रेजिडेंट का मोबाइल नंबर ही मैंडेट के डालेंगे, सेक्रेटरी का नंबर भी ज़रूरी है, उनकी मेल चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और ये ऐसे ही टाइप कर सकते हैं आप, या फिर अपलोड PDF या फिर अपलोड इमेज करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे इंडिविजुअल में कैसे होता है। इंडिविजुअल में आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, तनवीर हमने डाल दिया यहाँ पर, लास्ट नेम आलम। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो लास्ट नेम लोगों का नहीं होता, सिंगल नेम वाले लोग ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप डॉट डाल दें वो भी हो जाएगा, या फिर डॉट नहीं डालना चाहते तो आपका जो नाम फर्स्ट नेम है वही आप यहाँ पर भर दें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मालूम है लीगल है हमारे पास है तो हम डाल देंगे यहाँ पर, फादर नेम में डाल देंगे, उसके बाद मदर नेम यहाँ भरना होगा हमें। उसके बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, हरिद्वार है हमारा तो हरिद्वार कर लेंगे। इसके बाद तहसील कौन सी हमारी होती है, ईमेल डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि हमारा सेम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, यहाँ पर अपने अपलोड फाइल कर देंगे। हमारी फाइल अपलोड होगी, तो मैंने बताया था आपको कि MD से तो होंगी तो अपलोड हो जाएगी, वरना तक नहीं होगी। आपको कंप्रेस कर लेनी है, सर्च करना है इमेज कंप्रेस कंप्रेशन, कोई भी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इमेज कंप्रेसर पहले आपको अपनी फाइल अपलोड करनी होगी, अपलोड जिसका भी आप कंप्रेस करना चाह रहे हैं, ये हमारी है फिलहाल, ये 3.8 MB की है। हम देखते हैं कितने MB बना के देगा हमें डाउनलोड। 85% माइनस इसने हमारा साइज कर दिया है, फिलहाल जो साइज हमारा 563 KB का हो गया है, और इसके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़िप फाइल में आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोई इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमें फिल करना है वो फिल करेंगे, जो भी हमें राय या मशवरा देनी है हम यहाँ से सरकार को राय या मशवरा दे सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 25 से 32 में तमाम मजहब के लोगों को अपने मजहब के
मुताबिक निकाह तलाक विरासत वक्फ और इद्दत इद्दत वगैरह की इतिहास पर अमल करने की इजाजत दी है। लिहाजा इसलिए हम दस्तूर में दी गई सहूलत पर कोई भी तदब्बुर क्या आ सकते हैं आप जैसे तब्दीली नहीं चाहते हैं और अपने दस्तूर पर अमल करते हैं। इसी को हम पसंद भी करते हैं। और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासी कॉमन सिविल कोड कोड मुकम्मल करी से रद्द करते हैं। हम चाहते हैं कि ये हम कभी भी लागू ना किया जाए। काफी उसके बाद हम करेंगे ओटीपी वाला सिस्टम। ओके नंबर डालेंगे अब ओटीपी लेंगे अब कोई दिक्कत नहीं ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई हमारी ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ मैसेज आता है योर सजेशन हैज बीन सबमिटेड, तो मतलब हमारा सजेशन सबमिट हो गया है, क्लोज कर देंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन का करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कर दीजिए, कोई भी नहीं है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम करा देंगे आपका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आपसे यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म एक फॉर्म बनाइए या फिर फॉर्म भी नहीं बना सकते तो अपनी डिटेल एक उसमें लिख कर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगा के उस पर सिग्नेचर करके जो आपको लिखना है, जो भी इसमें मशवरा देना है या राय देनी है वो आप मशवरा देकर राय देकर आप उसको ये जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस ऑफ यूसीसी एक्सपेक्टी स्टेट गेस्ट हाउस एनेक्स एड जॉइनिंग राजभवन देहरादून 248001 इस पर आप
डाकखाने के जरिए भिजवा सकते हैं। और याद रहे ये आपको 7 तारीख से पहले पहले करना होगा। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।